नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं डेली स्टडी पे। डेली स्टडी के इस वीडियो में देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने डेली स्टडी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक नंबर, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? जी हाँ, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा कोंकण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? जी हाँ, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? इसका उत्तर होगा दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? जी हाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? इसका उत्तर होगा 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? जी हाँ, 38वीं पैरेलल उत्तर और दक्षिण कोरिया देशों को बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी, जी हाँ, अष्टाध्यायी किसने लिखी? जी, इसका उत्तर होगा पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जी हाँ, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? इसका उत्तर होगा टंगस्टन। टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है और किस भाषा में लिखी गई है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ में है और ये पाली भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? जी, इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? टाइपिंग एरर है। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर होगा सोनपुर, जो कि बिहार है, बिहार के सारण जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जी हाँ, ₹1 के नोट पर सचिव, वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होते हैं। इसका उत्तर होगा सचिव, वित्त मंत्रालय का सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? जी हाँ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी प्रस्तावना को जोड़े गए। इसका उत्तर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु संहार, कुमार संभव, रघुवंशम किसकी रचनाएं हैं? जी हाँ, इसका उत्तर होगा कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? जी हाँ, इसका उत्तर होगा औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? जी हाँ, महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। इसका उत्तर होगा पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? जी हाँ, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? इसका उत्तर होगा 19%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जी हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा नैनीताल के पास, उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की हाई कोर्ट है नैनीताल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांभर झील जिसके नमक बनता है किस राज्य में है? जी हाँ, सांभर झील जिससे नमक बनता है ये राजस्थान में है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? जी हाँ, राष्ट्रपति यदि किसी इस्तीफा देना चाहे तो वह उपराष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीट है? जी हाँ, ये उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। उत्तर होगा 80, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? जी हाँ, भगवान महावीर का जन्म कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ था, ये बिहार में है वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 98 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 21%। जी हाँ, उत्तर होगा 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? जी हाँ, इसका उत्तर होगा 0।